ऐसे नंगी आंखों से देखो, ऐसे तो नंगी आंखों से क्या देखोगे, क्या तो बढ़िया आ रहा है भाई। बट स्टिल भाई आपका आखिरी दिन में बहुत बहुत स्वागत है। नहीं आखिरी दिन, हाँ मतलब आखिरी है ना, कश्मीर के ब्लॉग के आखिरी दिन में आपका स्वागत है। देखो तुम्हारा भाई भी इतना फ्रेश लग रहा होगा, मैं सीधा यूं उठाऊं और देखो मैं कितना फ्रेश लग रहा हूँ, बढ़िया लग रहा हूँ कैमरे में। नीचे का आई नहीं था, इसको लग रहा है रजाई अटैक हो तो नीचे का सामान आ गया। तो भाई अब बाहर निकलेंगे, रिवर पे जाएंगे और जाएंगे और आपको दिखाएंगे, ठीक है गाइस। और अंबानी मेरे गौर भैया को गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे, वेलकम हो गया। मैं कह रहा हूँ गाइस गौर भैया को हैप्पी बर्थडे बोल दो भाई। सबसे बढ़िया काम गौर भैया ने क्या करा पता है, ये जो आके जो खोला ना इस समय पे, ओह माय गॉड, जैसे ट्रेन में तो बाहर नहीं झांकते। राहुल भाई क्या हो गया? बस बस तो अभी बहुत ज्यादा दूर है, इधर तो ट्रेन भी नहीं मिलेगी। ये थोड़ा सा लेम हो गया भाई, जैसे कि हम मैं वापसी आ गए कमरे में ही, हम बाहर को थोड़ी देर में जाएंगे, लेकिन ब्रश ना होने के कारण इंगली से कर रहा हूँ। भाई ने बोला इसका रीटेक लेते फिर से करते, मैं इसको तो इसमें डाल नहीं सकता, जिंदगी वापस जा नहीं सकती भाई, भाई इसी से करना पड़ेगा। अब ब्रश भी नहीं लाया, अब भी नहीं लाया भैया, ब्रश लेके आए यार, हम लोकल नहीं है ना, हमें पता नहीं है, हम तो भाई भक्के जल्दी जल्दी आ गए हमारे सुबह ब्रश करना होता है तो सबको पता है। तुम लाए हो ब्रश? मैं तो सुबह नहीं करता, ब्रश नहीं लाया ना, चुप हो जाओ ठीक है। चेकआउट कर लिया गाइस, वैसे चेकआउट तो क्या ही किया, अपना ही था ये थार, जैसे कि गर्म होते हुए और थार को गर्म होने की जरूरत नहीं है जहाँ तक मेरा ख्याल है, बट स्टिल इट लुक्स सो कूल। आप इसके ऊपर जो ड्रॉपलेट्स देख सकते हो कितनी बढ़िया लग रही है, एस्केप द सिटी। नहीं गाइस ये नहीं, ये वाला गेस्ट हाउस है ना जो एक, ओह ये लोकेशन देखो आप खुद कितनी बढ़िया लग रही है। और ये रिजवान भाई आपका पूरी तरीके से ख्याल रखेंगे, एक नंबर चिकन बनाएंगे और राजमा भी बनाएंगे, बाकी मेहमान तो आते ही रहते हैं, आपको दिख गया जैसे कि कौवा आ गया बताने को कि मेहमान आ गया, क्यों भैया पता है ना आपको, कौवा तो सिम्बॉलिक इज सिम्बॉलिक ऑफ मेहमान। अब ये कौवा फिर आ गया भाई। भाई अब निकल रहे हैं, वो जो रिवर कल रात में हम देखना चाह रहे थे उसको, उसको रात में देखने का मजा है कुछ और, बट अगर आपको दिन में दिखला देना मैंने तो आपको मजा ही आ जाएगा। भाई आर्मी का जो कैफे है वो है, बढ़िया लग रहा है भाई यार, ये व्यू कितना बढ़िया है, आपको ना नॉर्मली देखने को नहीं मिलेगा कहीं अलग सूचों के भी। बादल देख रहे हो आप, बादल जो इम्पोर्टेंट है सबसे, इसको अलग ही व्यू दे रहे हैं। कई हवा खातून एक महिला थी जो जो यहाँ पे पानी भरने आया करती थी तो राजा से मिलने से पहले, बाकी गूगल कर लेना बाकी वो एक पीजिया आपके पास है। तो भाई राजा भी यहाँ आते थे पानी पीने शायद, क्योंकि मिनरल वाटर पीना था उनको, बहुत ब्लैक वाटर हो गया था लाइफ में। भैया ने एकदम से आके यहाँ पे बताया कि हमें करनी है ट्रैकिंग, गलती से कूड़े खत्ते में ना पहुँच जाए भाई, यहाँ पे वो तो नहीं मिल जाएंगे हमें, यति होते हैं जो ऊपर, वुल्फ मिल सकते हैं, वुल्फ आओ जल्दी आए आप प्लीज, और ऊपर देख के चलें, थोड़ा सामने भी देखना चाहिए, नीचे देख के क्यों चल रहे हैं। मानू तो तब तेरे को जब तू नीचे भी ना देखे और सामने भी ना देखे, तू ऊपर देखे, ऊपर देख के चल रहा है भाई नीचे जा रहे हैं, पहुंच गए हैं जहाँ पे वो यहीं आते थे ना उभरने। यार मेरे जूते बहुत स्लिपरी हैं, दो पैर तो बड़े स्लिपरी हैं और वो मैं हमेशा ऐसी जगह पर पहन के आ जाता हूँ गलती से, है बहुत ठंडा भाई, गलती से नाली ना हो गौर भैया ले आए ना, सारे जितने भी होटल है ना उनकी नाली है ये। भाई फाइनली मैंने वो चैलेंज ले लिया जो भैया चाहते हैं, मुंह धोने का, भैया खुद नहीं धो रहे हैं लेकिन मैं धोऊंगा। चलो जी हां आंखें ओपन, अच्छा भाई मैं तो बहुत ठंडा भाई, एक बार मैं ऐसे करता साडे वो मैंने भी कर दिया, पकेस्ता हो गया। और भैया ने बोला नाली का पानी है वो, कैसा लगा प्रैंक वो देखो कैमरा। गाइस अभी भी 80% भारतीय सब्सक्राइब नहीं करेंगे क्या यार, थोड़ा सा जम गया प्लीज कर दो यार, सब्सक्राइब करो ना इसको। तो भाई आप जैसे कि देख सकते हैं कि हवा खातून जो थी अपना जीमेल चेक करने आती थी यहाँ पे, डीएम वगैरह इंस्टाग्राम की रिक्वेस्ट मेल बॉक्स, तो यहाँ पे सारे उनके, आप देख सकते हैं ताला भी उन्होंने लगाया था।
चलो भाई। अच्छा आप भी पोज में थे क्या? मैंने आपके आपके स्टैंड हटा दिया। यहाँ का जो ब्रेकफास्ट है ना अलग ही तरीके का। इसके अंदर क्या क्या डाला है अंकल जी? क्या इसके अंदर क्या क्या डाला है? इसके अंदर बटर है। बस बटर तो यहाँ है। चाय रेडी है अपनी, चाय पियेंगे और रिवर पे निकलेंगे। चिपड़ दो और गर्म करवाओ ना इसको। बहुत टाइम बाद अच्छी चाय मिली है। अभी पीछे जितनी भी चाय पी है ना अच्छी नहीं थी, बट दिस इज गुड। एक देना बटर रोटी। हाथ धोए भाई, मैंने कुछ किया नहीं, हाथ ही धोऊंगा। क्या कोके पता यार, उधर तक खिलाना है। अब नहीं खिला रहा है। अरे कुत्ते को मुझे रोटी छीन ली। भाई क्या व्यू है यार, ये देखो ना प्लीज। हाँ सही कह रहा है ये बंदा। अच्छा आगे, अच्छा शीशा देख रहे हो तुम? हाँ, व्यू देखो ना। अच्छा पानी के अंदर का जो व्यू है ना, अभी जैसे कल ये हवा थी ना, कल थोड़ा पानी चढ़ रहा था, अभी देख रहे हो कि वो जो मैं कल कह रहा था आयरन करके है। कौन सा अंदर जो पेड़ दिख रहा है पानी के? नेचर में आकर नेचर को बिगाड़ो मत गंदे जोक्स मार के। भाई ये वाला व्यू चेक करा गया तुम लोगों ने, जहाँ पे मैंने अभी स्लोमो दिया है। ऐसे नंगी आंखों से देखो, ऐसे तो नंगी आंखों से क्या देखोगे? क्या तो बढ़िया आ रहा है भाई। बट स्टिल अपने गाइस देखो फोटो सेशन कर रहे हैं ये रे विद द डॉग। हम उनकी फोटो नहीं खींच रहे थे ना, तो इसलिए डॉग यार बन गया अपना। अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी है। इसकी जो मेन रिवर है ना, ये तो एक छोटा सा कोना है जो हमने एक्सप्लोर किया है। तो यहाँ पे भी आके अगर आपको ये जगह मिल जाए तो फोटो खिंचवा सकते हो, बट इसके भी आगे बहुत बढ़िया। भाई बॉब द बिल्डर आ गया है। इनको बोलो फिर करो इधर ही टिकट कैंसिल, आराम से बैठ। ओए अबे आ जाओ साले, तुम ओपन मारे अपना। बाय। अरे यार दुख हो गया भाई। अबे अरे अरे भाग रहा है भाई पीछे यार। हेलो मोमिन भाई वापसी आ गए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। और मोमिन भाई कैसे यार, जा रहे हैं आज? मजा आ गया। ठीक बैठा भाई, मोमिन भाई का आज लास्ट डे, आखिरी सफर लास्ट डे के साथ। ऊपर नहीं जाना भाई, दिल्ली से किया है। दिल्ली आना है ना, दिल्ली बोलो ना भाई। हमारा लगेज लेके आया है होटल से, क्योंकि हम तो भाई वहाँ पे गए थे आगे। ठीक है अच्छे से ठीक है भाई, मैंने बहुत सब ठीक। राहुल ठीक, पंकज ठीक। लो भाई लो 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 भाई, पंकज यही पे किस कर लिया ये तो टिक्की दे दो इसके। भाई गुरेज में गए हो तुम? हाँ गुरेज में, तो मजा आ गया ना। बहुत अच्छी जगह, बढ़िया जगह। तो हमारे पास दिन कम थे, वरना तो बहुत बढ़िया ही होता भाई। दिन मिलेंगे वो ना भाई, भाई उनको प्यार मिलेगा। भाई सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो लोग। सब्सक्राइब भाई। वैसे कश्मीर में क्या होता है कि ना दो बार चेकिंग होती है भाई इसको, इसमें तो अभी पहली बार चेकिंग कराने के लिए अंदर जा रहे हैं। उड़ा भाई क्या किक कर दिया मैंने, वैसे तो यहाँ अलाउड नहीं है कैमरा। बट स्टिल भाई साथ यहाँ तक नहीं था, अभी शुरुआत हुई है। अभी और भी इतने बड़ी बड़ी ट्रिप्स हैं, लेकिन अभी के लिए हमें अलविदा लेना पड़ेगा गौर भैया। एज अ होस्ट मैं अलविदा ले रहा हूं एंड आई विल जॉइन यू। बहुत मजा आ गया भैया, मजा आ गया भैया के बिना ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता सब कुछ ना। जो भी हमने ट्रिप में मजे करे हैं, जो भी भैया ने घुमाया है, एक नंबर, मतलब बिल्कुल ही बढ़िया कर दिया। लेकिन ठीक था, बढ़िया नहीं आपका बढ़िया था ही पूरा, तो वो तो पांचों दिन था वैसे तो। नहीं ये सब कहने वाली बात है, लेकिन 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 छुट्टी लेके आना। वो जो मजा भैया ने करवाया है वो मेरे को नहीं लगता हम अकेले में कर सकते। गुरेज पूरे हमें नहीं पता था ये सब, हम तो सोनमर्ग वोनमर्ग जाते, बट भैया ने और भैया की ये जो एस्केप द सिटी ने हमारा इतना बढ़िया साथ दिया, प्लस आर्मीज वगैरह इतनी सारी क्रॉसिंग करी है हमने और चेक पोस्ट, ये सब हम नहीं कर पाते, भैया की वजह से पॉसिबल हुआ। एंड हम एयरपोर्ट पहुंच गए अपना तिरंगा झंडा यहाँ पे। चलो भाई अपने बैग वैग लेते हैं और निकलते हैं आगे की ओर एयरपोर्ट की तरफ। हाँ भाई निकल गए हैं वापस दिल्ली की ओर। कश्मीर की यात्रा यहीं समाप्त होती है, बट सीरियसली काफ़ी मज़ा आया। ओ ऐसी जन्नत हमने पूरी तो नहीं देखी, 10% देखी 20% देखी, बट पता नहीं आगे और भी चीज़ें देखेंगे आएंगे सर्दियों में। फिलहाल के लिए इतना ही सफ़र था। क्यों भाई मिलते फिर एक नई जिंदगी नई शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मिलते हैं वहाँ पर हर दिन। हाँ
गाइस दिस इज वेरी बैड। एयरपोर्ट का आगे तो कम से कम तमाशा ना करें। और क्या किस बात पे तमाशा हो गया था भाई? उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ गया, तूने तमाशा कर दिया। गेट नंबर 4 बता रहा हूं मैं, घूम रहा हूं भाई। यहां पे आ गया, अलाउड नहीं है वैसे भी व्लॉग बनाने, इसलिए मैं बना भी नहीं रहा। गाइस हम तीनों की सीट एक साथ हो गई, लेकिन राहुल थोड़ा दूर था तो हम चारों एक साथ बैठ गए। अब हम चारों एक साथ सीट बेल्ट पहन लेंगे। चल बे, चल हो गया। उसको आने दो, ठीक है? अगर जाएगी तो नहीं तो खुद भाई प्रैंक कर रहे हैं, चार बैठे हैं। और क्या राहुल कहेगा मेरे को अकेले ना घबराहट होती है। अच्छा आंटी देखो क्या कर रहे हैं, आंटी चार लोग बैठे तो आंटी की जा नहीं भाई उसकी फिर जगह देख के चार लोगों को बेचारा इंस्ट्रक्शन दे रहा है। पूरी तरह से फूला ना होना सामान्य है। धन्यवाद गांव वालों ने। गाइस प्रैंक ओवर हो गया। In case of loss of cabin pressure, you must remove your face mask and face shield before using the cabin oxygen mask. कॉल बेल दबा दी भाई ने। लोग इनको लग रहा होगा थोड़ा कॉल इस समय पे कौन बुला रहा है। गाइस आ गए हैं दिल्ली यार, दिल वालों की दिल्ली। इससे बढ़िया फील कहीं नहीं हो सकती। फाइनली दिल्ली में आए, कश्मीर की ट्रिप खत्म होती है। इससे भी बढ़िया बढ़िया ट्रिप करेंगे अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा। शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, सब्सक्राइब करोगे, 80% भारतीय सारे आप छोड़ो। और भाई इसी तरीके से देखते रहेंगे और हम अपनी जर्नी यहाँ ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल एक नई शुरुआत के साथ। देखते रहिए नए पोल्यूशन के साथ आकाश सागर ब्लॉग।